नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल द बनती भारत। हरियाणा के मानेसर में महालक्ष्मी ढावा ताउडू रोड पर किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव चेयरमैन द्वारा मानेसर मंडल के पदाधिकारियों की घोषणा की गई और संगठन का विस्तार और कैसे किया जा सके इस पर भी विशेष चर्चा की गई। देखिए बैठक की कुछ विशेष चर्चा। साथियों, जैसे बाबूजी बता रहे थे, मैं पीछे लगभग कोविड पॉजिटिव हो गया था और स्थिति काफी खराब थी। उसके बाद ठीक होने के बाद बाबूजी कह रहे भाई रेस्ट कीजिए, बिल्कुल रेस्ट कीजिए। दोस्त के साथ काम करते हुए तो मन मेरा भी फिर घर में नहीं रहता, मेरा खुद मन करता है जब मेरे साथी इतने मेहनत कर रहे हैं, इतने लगन से काम कर रहे हैं, तो मैंने उनके बीच में चलना की और आप लोगों की मेहनत और आपके भाव को देख के तो मैं भी प्रेरणा निकलाया। मैंने कहा भाई थोड़ा सा सब लोगों से मिलेंगे तो और भी उत्साह आएगा। मुझे आपकी ऊर्जा है जिसको देख कर हम सब लोग ताकतवर हो जाते हैं। तो साथियों, आज किसान मोर्चा का जो गठन हुआ है मंडल का, तो कुछ लोगों को उपाध्याय महामंत्री सचिव बनाया गया, ये कोई बड़े पद नहीं है, ये दायित्व है, ये तो काम करने की जिम्मेदारी है। अगर कोई कार्यकारिणी में है तो वो भी उतना सम्मानित और उतना ही योगदान है उसका, और जो कोई उपाध्यक्ष के नाम से है उसका भी उतना ही योगदान है। हर आदमी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और जो कार्य करता है वो अपने आप को सब बराबर है, कोई उपाध्यक्ष है जी कार्यकारिणी सभी कार्यकर्ता है। सतपाल राघव जी, जिला उपाध्यक्ष रामचंद यादव जी, सोशल मीडिया जो किसान मोर्चा देख रहे नवीन यादव जी और हमारे साथ आए हुए हमारी टीम के महामंत्री नरेश दिनोड़ा जी, एके शर्मा जी, मानेसर मंडल में पूर्व में महामंत्री रहे, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और अब हम सभी लोगों को मार्गदर्शन समय समय पर कर रहे हैं। जसवीर यादव जी किसान मोर्चा के अध्यक्ष, राजवीर ठाकुर जी और आज किसान मुकेश बिलासपुर से मानेसर मंडल के सचिव है विजेंद्र जामड़ा जी, वो सभी आए गए, सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि संगठन दृष्टि से किसान मोर्चा और राजनीति में तो जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब ने बैठ के एक मानेसर मंडल किसान मोर्चा की सभी पदाधिकारियों का नाम भेजा था और सभी के साथ बैठक करके इस पर चर्चा की गई। मिलाकर जिन्हें जैसे जैसे आदेश दिया, संघर्षशील कार्यकर्ताओं को उम्मीद ओढ़ने के लिए आदेश था कि संगठन को इस तरीके से उठाया जाए और हम सब ये चाहते थे अभी है हम किसान मोर्चा को अबकी बार जिलाध्यक्ष जी का आदेश था कि किसान मोर्चा को इतना मजबूत बनाया जाए, क्योंकि जो किसान मोर्चा होता है और हमारे यहाँ के जो क्षेत्र में बिलासपुर के यहाँ पे खेती के लिए हर गांव में हमारे सभी कार्यकर्ता जाएंगे और उनको योजनाओं के बारे में भी बताने का। इस बैठक में पदाधिकारियों के साथ साथ वीरेंद्र चेयरमैन, सतपाल, नवीन आईटी सेल, एके शर्मा महामंत्री, नरेश महामंत्री, यशवीर यादव पूर्व महामंत्री, वीरेंद्र जांगड़ा, मुकेश सचिव के साथ साथ सभी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।